दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े मजेदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी और हर बीमारी आपके पास से हमेशा के लिए दोस्तों मिट जाएगी और आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बगैर टाइम नष्ट किए हुए। सवाल नंबर 1, मच्छर के काटने से कौन बीमारी होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए और मच्छर से बचने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार पकड़ता है, तो मच्छरदानी कभी भी लगा करके सोना चाहिए और अपने घर के आसपास में सर सफाई जरूर रखें। जो लोग घर के अपने सर सफाई नहीं रखते हैं आसपास में उन्हीं लोगों को मच्छर जो है वो काट लेता है दोस्तों, इसलिए रखें जरूर। सवाल नंबर 2, एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए कि अच्छा जानकारी मिलती रहे आपके पास में। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है गर्मी के दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए और ठंडी के दिनों में 2 से लेकर के 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से ठंडी के मौसम में बार बार पेशाब लगती है, अगर ज़्यादा कोई गर्म सामान खा लिए हैं तो प्यास लगती है, तो आप जितना मर्जी उतना पी सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादा अगर। सवाल नंबर 3, बार बार पेशाब क्यों लगती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों की अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा पानी पीने के चलते या चीनी खाने के चलते जो है बार बार पेशाब लगता है और शुगर के मरीजों को भी ज़्यादा पेशाब लगता है, तो ज़्यादा चीनी मीठा नहीं खाना चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा पेशाब लगे तो दोस्तों, और काम भी करें खूब। सवाल नंबर 4, पानी में ज़्यादा देर भींगने से कौन बीमारी होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है सर्दी जुकाम पकड़ लेता है ज़्यादा भीगने से, तो सब पैसा बीमारी में खर्च हो जाती है, इसीलिए बारिश में ज़्यादा देर नहीं भीगना चाहिए। आजकल के मौसम में आजकल के मौसम जो है ख़राब चल रही है दोस्तों, सर्दी जुकाम हो जाती है तुरंत। सवाल नंबर 5, अगर बारिश में भींग करके काम करना है भींज करके, तो तुरंत कौन काम करना चाहिए और क्या खाना चाहिए कि बारिश में भींगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसका सही आंसर है कभी कभी धान की रोपनी में जो लोग भींगते हैं उनको रोटी खाना चाहिए और रोटी के साथ में अचार खाना चाहिए, लहसुन की चटनी खाना चाहिए, मिर्चा भून करके तेल में खाना चाहिए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।